तो जनक के जीवन में जनक की शर्त है कि इस धनुष को कोई तोड़ देगा उसे मैं अपनी बेटी प्रदान कर दूंगा। यह धनुष क्या है? अहंकार। यह शंकर भगवान का दिया हुआ धनुष है। शंकर भगवान का दिया हुआ धनुष तो कंस के पास में भी था और बाहुनी जो है धनुष यज्ञ करो, लेकिन बाकी शर्त अलग ही। बा ने पहरेदार लगाए रखे कि जब धनुष से कोई छी नहीं जाए, क्योंकि कंस तो चलता फिरता अहंकार है और अहंकार अपने अहंकार को तोड़वाना नहीं चाहता। अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार को तोड़वाना नहीं चाहता। लेकिन यदि कोई जनक जैसा साधु होए, कोई साधक होए, तो वो चाहता है कि थोड़ा सा देह का अहंकार, कोई छोटा मोटा अहंकार रह गया है, कोई ऐसा महापुरुष आवे कि जाए और तोड़ दे तो मेरा जीवन धन्य है जाए, है ना। जो साधक होता है वो खुश होता है कि जी विकार नष्ट है जाए, ये अहंकार नष्ट है जाए। इसलिए जनक जी महाराज की ये प्रार्थना है कि कोई आओ और मैंने अब तक की जो साधना करी है, अब तक की जो भक्ति है मेरी, मैं उसको प्रदान कर दूंगा। क्योंकि जब अहंकार कोई तोड़ेगा तो कोई सामान्य नहीं होगा। सामान्य की बस की बात नहीं है, कोई इस अहंकार को तोड़ दे। इसलिए जनक जी ने ये शर्त रखी। अब एक बात का ध्यान रखना, विश्वामित्र माने गुरु, गुरु उस अहंकार को तोड़वाने के लिए भगवान को लेकर के आए हैं। लेकिन जब कऊ आदमी पे भूत आ जाए और भूत जो है बदमाशी कर रहे हो तो मार देते हैं। अब तो मार देगो भूत में, लेकिन लगा ही कौन गए? जो आदमी है भाई के तो देनी पड़ेगी। अच्छा बाखन तो भाई मालूम नहीं पड़ेगी, लेकिन जब उतर जागो हैं तब देह कौन की दुखेगी हैं। तो जैसे आदमी और भूत जिस समय एक मेक हो जाते हैं, ऐसे ही बेकार और इंसान दोनों एक मेक हो जाते हैं। तो जब कोई महापुरुष बेकार को तोड़ने की कोशिश करता है तो प्रहार उस इंसान पे होता है, विकार के साथ साथ प्रहार उस इंसान पे होता है। लेकिन इंसान सहन कर जाए, जो सियानो होता है ना, बातें जो कह दे पहले भूत आवे थे पहले कि मैं कछु होगी सो देखी जाएगी, लगेगी तो लगे जाएगी, टूटेगी तो टूटिया, ऊपर जाए तो मजाते में बीमारी है हैं। तो सियानो मार पीट के कूट पाट के जो कछु करेगा सो करेगा, लेकिन बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। एक बार कष्ट तो होगा लेकिन बीमारी से मुक्त हो जाएगा। ऐसे ही हम पे जो चढ़ो भयो अहंकार को भूत है ना, तो हम अपने बुद्ध पुरुष को, अपने गुरु को ये आज्ञा दें कि हम मार पीट कूट सब सहन करेंगे, पर जब बीमारी से मुक्त कर दो और उसे झेलने के लिए तैयार रहें। तो बाकन थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए बिकार से मुक्त तो हो जाएंगे। तो अच्छा, इस बात, इस प्रार्थना को कर कब पाएगा व्यक्ति अपने बुद्ध पुरुष से, गुरु से? कब? जब वाक्य अंदर, स्वयं के अंदर जी पतो चलेगी कि हां मैं कऊ भूतते परेशान हूं, मैं कऊ विकार से परेशान हूं, तभी तो प्रार्थना करेगा। और भाई विकार समझ में ही ना आ रहा तो फिर वो प्रार्थना करने वाला तो जनक की समझ में विकार आ रहा है लेकिन कंस की समझ में नहीं आ रहा। इसलिए जनक प्रार्थना करते हैं कि मेरे विकार है कोई तोड़ो। लेकिन एक बात जरूरी है, जैसे लोयो है ना, लोयो, अब लोयो आप अपने हर की फारी ले गए बड़ी सी और आपने लो पीटा से कही के जामे थे खुरपा बनाए दो हैं,
अब वो लोहार का करेगो, पहले वाए आग में गरम करेगो, और वह गरम गरम पे फिर चोट करेगो। तो गरम पे यदि चोट होगी तो जैसे चाहोगे लोहो वैसे ही मुड़ जाएगो, आकार ले लेगो। और यदि ठंडे पे चोट मारी तो लोहार की खोपड़ी पे उछट के पड़ेगो। तो ऐसा कहते हैं दो फूट जाए है? तो ऐसे ही साधक पे, शिष्य पे, शिष्य के अंदर जब वैराग्य की गर्मी हो तब सदगुरु चोट करे तो उसकी समझ में बात आ जाएगी। और यदि वैराग्य गर्म नहीं है, भीतर से वैराग्य गर्म नहीं हुआ, तो बजाय आकार बदलने के खुद के, वो जो हर की फारी है ना, लोहार कोई आकार बदल देगी, गुरु कोई आकार बदल देगा है। यदि वैराग्य नहीं है तो, यदि वैराग्य है तो गृहस्थ में बैठ के वैराग्य को उपदेश दे पावेगा सदगुरु। यदि वैराग्य नहीं है तो गुरु को ही भागना पड़ेगा कि बताओ अच्छे घर में, अच्छे भले में, और तुम हमें बाबा जी बनाए डोल लें, उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए अब जब वैराग्य गर्म हुआ, वो शुभ समय था जनकपुर में धनुष को तोड़ने का, और इस शुभ समय को भांप लिया विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र जी ने क्या जान लिया? शुभ समय। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय वाणी, खड़े हुए प्रणाम किया। सहजई चले सकल जग स्वामी, गोस्वामी जी ने राम जी के चलने की जो उपमा है ना, वो हाथी की चाल से दी। क्यों भाई? किसी पुरुष की चाल की उपमा हाथी की चाल से नहीं दी जाती। यदि किसी पुरुष की चाल की उपमा देनी होए तो लगता है क्या शेर की तरह चल रहा है,
हाथी की तरह नहीं। किसी नारी की चाल की उपमा देनी है तो गजगामिनी कहते हैं, हाथी की उपमा दी जा सकती। लेकिन आदमी तो गोस्वामी जी ने हाथी की चाल की उपमा क्यों दी, कारण क्या था? यहां शरीर की चाल की बात नहीं हो रही, यहां मन की चाल की बात हो रही है। जब राम जी चले हैं ना, तो जो आसपास राजा है ना, वे हंसी उड़ावन लगे। जैसे आजकल गांवों में लोग अच्छे मार्ग पर चले कोई तो उड़ाने वाले रहते हैं ना। पहले तो चले आए, बुरो मत मानो करो, आज यदि पहले तो कोई अच्छे मार्ग पर चलता ही बड़ी मुश्किल से है, लेकिन यदि चले भी तो बाकी अड़ोसी पड़ोसी, अरे भैया अट जा, भगत जी आ रहे, कोई ना चार दिन रामायण पढ़ ले, कोई संत के पास चले जाए, अट जा भैया भगत जी आ रहे। कोई बच्ची छोटी छोटी मोटी पूजा पाठ करने मंदिर जा रही हो, ओ भैया भगत आने जा रही, हटो रास्ता दो। सौ सौ मुंह से खाए भिलैया। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं इंसान के रूप में इस धरती पर रहने वाले राक्षस लोग। इंसान तो वो हो ही नहीं सकते। इंसान यदि होते तो कम से कम इतना सोचते कि हम पे तो ना हैरो, पर जो कुछ कर रहा सो तो बढ़िया ही तो है भाई, हम पे तो ना हैरो, पर जो कर रहा है कम से कम अच्छी बात है। इंसान होता लेकिन वो तो राक्षस है। बस ऐसे ही वे जो राजा लोग थे ना, देखिन सकें पराय विभूति, ऊंच निवास नीच करतूती। राम जी को देख करके हंसी उड़ाने लगे, अरे भैया हट जाओ, बड़े बड़े मूछर वाले तो तोड़ नहीं पाए, धनुष है हलाए नहीं पाए, अब जे जा रहो नेक सो सो हजाओ जो तोड़ेगो है, सब हंसी उड़ाने लगे। लेकिन राम जी हाथी की चाल से चले हैं। हाथी की चाल से चलने का मतलब है कि जब हाथी गांव में आता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन वो कुत्तों की वजह से वो अपनी चाल में कोई अंतर नहीं डालता है। उसे पता है कि ये वफादार हैं, जिनको काम में वफादारी करे वो, क्योंकि जिन्हें ड्यूटी मिली है भौंकवे की तो ये तो भौंकेंगे हैं। अच्छा बने के मोह लगे उब बिचारो मोह लगे तो फिर वो हाथी कहां रहेगा, वो कुत्ता है वो। इसलिए जब तुम अच्छे मार्ग पर चलो तो भौंकने वालों की परवाह मत करना, तुम अपने रास्ते चलते जाना। जिस दिन तुम परिणाम को प्राप्त हो जाओगे, जब सफल हो जाओगे, तो बिना को भौंकबो अपने आप बंद है जाओ। लेकिन तुम्हारे हिंडौन क्षेत्र में तो अलग प्रकृति बन गई लोगों की, भक्ति के मार्ग पर जो चल रहे हैं बेऊ ऐसे हाथी की चाल से नहीं चलते। वे एक आध बेर सुनते हैं, दो चार बेर सुनते हैं, फिर बाद में कहते हैं ला भजन है, बाद में देख लेंगे, पर जय की चौंचे तोरे हमारा तो भजन होगा, सो बाद में होता रहेगा।
पर जाए अब बोली में लाएगा, बिकेगा तो एक आदमी का बिक जा। अब वो तो ऐसा चाही रहो तो इसमें विजय तो फिर बाकी है गई ना, तुम हार गए। तुम्हारी जीत कब होती, जब तुम अपने मार्ग पर चलते चले जाते, चलते चले जाते और किसी दिन उसे स्वयं कहना पड़ता तो तुम्हारी जीत हो जाती। नहीं, उसका उद्देश्य था तुमको रोकना। अच्छा, ये भौंकने वाले क्यों भौंकते हैं पता है? हमारे राजेश शरणन जी कहते थे कि ये भौंकने वाले होते हैं ना, ये ऊंची पूंछ वाले होते हैं। हाथी की पूंछ कभी ऊंची नहीं होती और कुत्तों की पूंछ कभी नीची नहीं होती। तो ये जो ऊंची पूंछ वाले हैं ना, इनके एरिया में जब कभी हाथी आता है तो कुछ लोग उसके हाथ जोड़ते हैं, क्या मान करके? गणेश जी हैं। बड़े बूढ़े खड़े हो जाएंगे, अरे भाई बच्चों जल्दी आओ, हाथी राजा आए हैं, हाथ जोड़ लो, गणेश जी हैं, हाथ जोड़ो। अब ये हाथ जोड़ना उन ऊंची पूंछ वालों पे झलता नहीं है कि जाके हाथ जोड़ रहे हैं, हैं? और हमारा जीवन भी तो जा द्वार पर डरे डरे, हमें डंडे ही परे और जाके हाथ जुड़ रहे, उनसे झेलता नहीं है, इसलिए वे कहता कि जा जल्दी जाते भगाओ। तो ऊंच निवास नीच कर दूती, देख न सके पराए विभूति। आपने कभी कभी देखा होगा कोई आदमी गांव में अच्छा काम कर रहा होए, बाकी अच्छे काम में लोग बिघन डालते हैं। अरे तो पे ना है रहो तो कम से कम बिघन तो मत डाले, लेकिन बाको कारण जो है कि वो पहले से ये सोचता है कि जाने अच्छा काम कर लो तो जाके दुनिया में वाह वाह है जाएगी और मेरी पूंछ फिर नीची। भाई काऊ को डरना, भाई अपनी पूंछ को डरे। लेकिन राम जी अपनी गति से सीधे चले जा रहे हैं। धनुष के पास पहुंचे हैं, बोले बाबा से कही कहो आपका धनुष है, क्या आज्ञा है? बोले तोड़ दो। ये धनुष था ना, ये शंकर भगवान के हाथों में रहता था। एक दिन इस धनुष ने शंकर भगवान से कहा कि ये बुरा काम मुझे सौंपा गया है, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं हमेशा किसी के धड़ से हाथ को अलग करता हूं, किसी के सिर को अलग कर देता हूं, मैं किसी बेटे से मां को छीन लेता हूं, किसी पत्नी से पति को छीन लेता हूं, मैंने हमेशा दूर करने का काम किया है, कि मेरे अपराध कब क्षमा होंगे? शंकर भगवान ने कहा आज से तेरा ये अपराध बंद और अब तू धन्य हो जाएगा, अब तू दो दिलों के मिलाने का कारण बनेगा। अच्छा, बोले मैं कभी मिलाने का भी काम कर सकता हूं क्या? मैंने तो हमेशा तोड़ने का काम किया। बोले नहीं, बनेगा, मिलाने का कारण बनेगा, मैं ऐसी जगह भेज रहा हूं। एक बात का ध्यान रखना, जब तुझे कभी तोड़ने का प्रयास किया जाए
और मेरा इशारा हो तो तुम अपनी अकड़ में मत रहना, तुम टूट जाना, और तुम्हारे टूटने से दो बिछड़े हुए दिल मिल जाएंगे और वो भक्ति और भगवान होंगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। आज धनुष भी भोले बाबा का इशारा पाके, एक बात बताऊं, धनुष राम ने तोड़ा नहीं था, वो तो तैयार ही बैठे हो। उसे तो बहाना चाहिए था, जैसे ये माता बहने हैं ना, कभी कभी पड़ोसी तो इतनी चिड़ी चिड़ाई बैठी रहते हैं, कभी कभी नए किसी बात पे इतना बड़ा बमंडर बनाऊंगी, फिर कोई आदमी बगल को आएगी, अरे नए किसी सी बात पे, इतनी छोटी सी बात पे, तब बगल में अलग ले जाके कहती है, जी एक बात ना है, बहुत दिना धरी बैठी हूँ, पुलंदा धरे हो है? मैं तो बस तैयार बैठी जी, कैसी का उदना ने बोले तो सही है। ये धनुष तो तैयार बैठा था, इसलिए राम जी ने परशुराम जी से कहा भी था, छुअत टूट, मैंने तोड़ा नहीं, मैं तो छू के देख रहा था पहले, लेकिन इतनी देर में तो वो छुअत टूट पिनाक पुराना मैं के हे तो करो अभिमान। लक्ष्मण जी भी देख रहे थे बड़ी गहराई से, लक्ष्मण जी ने भी कहा, छुअत टूट रघुपति हीन दोसु मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। इधर क्या हुआ, ये राजा लोग तो हंसी उड़ाने में लग गए, भगवान अपने काम में लगे हैं, इन्होंने हंसी उड़ाने में अपनी नजरें वहां से हटा ली, और इतनी देर में ले त चढ़ाव त खेच त गाड़े और काऊ न लखा देख सब। घबराए गई का, धनुष जब टूटा, भलवा को कोई स्पीकर के पास ना बैठा, अब सबके मोह नेक से रह गए जो हंसी उड़ा रहे का है। सीता जी माला लेकर के चली हैं, क्योंकि रहा विवाह चाप आदिना, लेकिन माला पहुंच नहीं रही, क्योंकि राम जी की लंबाई थोड़ी सी ज्यादा है। अब सीता जी काफी देर खड़ी रहीं, सीता जी की मैया ने कहा, जैसे ये जब शादी विवाह में जब कोई गीत गाती है ना, तो धर धर के गारी देती है ना, नाम ले लेके,
ऐसे ही भजन के माध्यम से राम जी तक अपनी मन की बात पहुंचाई। झुके जाओ कौसल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। जाओ कौसल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। झुक जाओ दशरथ जी के लाल, लली मेरी छोटी सी।
हो दशरथ जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। लेकिन वहां कोई असर ही नहीं पड़ रहा, वे झुकी नहीं रहे। जब काफी देर रह गई तो सीता जी ने मन ही मन लक्ष्मण जी से कही कि आप तो शेष नाग हो ना। बोले 100%, हम 1% कमी ना। तो बोले तुम्हारे फन पे तो पूरी धरती टिकी है ना। हाँ बोले टिकी है। तो एक काम करो, ने कहा हमारी तरफ से धरती ऊंची करो और भगवान की तरफ से नीची करो। लक्ष्मण जी बोले ऊंची नीची तो तुमको जितनी कर दें, लेकिन तुम हो तो एक ही धरती पे, दिक्कत तो जी है ना। उठाएंगे तो दोनों ही उठेंगे, नीची करेंगे। अब ये बात तो तब संभव हो जब तुम दोनों के बीच में होके पूरी धरती में दरार डाली जाए, दो हिस्सा हो, तब एक ऊपर एक नीचे होगा। और ये दरार डालने का काम दुष्टों का है, सज्जनों का नहीं है। मैं दरार नहीं डाल सकता, मैं दरार कैसे डाल सकता हूं। तो सीता जी ने कहा तो फिर हम जा माला लेके यूं ही ठाड़े ही रहें, कोई उपाय है। बोले हाँ मिल गो उपाय, आप चिंता मत करो अभी माला डरेगी। तो बस धनुष वाण रख कर लक्ष्मण जी सीधे राम जी के पैर न में गिर पड़े। अब राम जी कह रहे हैं कि जी कोई टाइम तो उतना प्रणाम कर भी को है, न संजा है न शाम है न सवेरा है, ये कोई टाइम तो है नहीं, पर आगो होगो मूड में कोई बात ना। अब बहुत देर रह गई, अब कोई ज्यादा देर पावन में डरे हो रहे तो शर्म आती है ना आदमी को, क्या भाई ठाड़ो है जा। राम जी ने कही भाई बहुत देर रहेगी ठाड़ो है जा। बोले ना ना आज अपने आप ठाड़े है वे कि ना हम गिरे ना। बोले तो आज तुम अपने आतंते उठाओगे तो ही उठेंगे। राम जी ने कही ये राजा बड़े दुष्ट हैं, यदि मैं तेरे बहाने तो झुकियो तो कहेंगे देखो जीव इशारो करे है होगा, आज रहन दे, आज तू अपने आप उठ जा, घर तू चल के 20 बेर गिरी हो 20 बेर उठांगे हम। लक्ष्मण जी ने कही नहीं वो तो वक्त परे की बात है, हैं वक्त वक्त की बात है, आज अपने हाथों से उठाओगे तो ही उठूंगा। तब राम जी जब जिद पे पड़ गए लखन जी, तो राम जी ने लखन जी को झुक करके जैसे ही उठाया तो सीता जी ने माला डाली। बोलो रामचंद्र भगवान।